शाम के 7 बज गए हैं और जब आप घर पे अकेले होते हो ना तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता है। शादी बिस्तर पर पड़े रहना ये सबसे अच्छा लगता है। और 7 बज गए हैं तो मैं सोच रही कुछ खा पी लूँ क्योंकि मेरा बेबी भी थोड़ा हंग्री है, भूखी भूखी लग गई इसको भी। तो अब हम कुछ खाएंगे, क्या खाया जाए चलते हैं किचन में। खाने से पहले ये बढ़िया बर्तन मैं सोच रही हूँ इनको साफ़ कर लिया जाए, उसके बाद ही कुछ खाया जाए क्योंकि किचन में अगर गंदगी होती है तो वो मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो पहले ये बर्तन हम सारे साफ कर लेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, चाय खाएंगे उसके बाद। इसमें क्या है? ओ मैगी, ये मैगी रखी है जो कि हम नहीं खाएंगे। ये बासी मैगी है, इसको हम नहीं खाएंगे। ये बन रही चाय मेरे ननों के लिए। वैसे तो चाय हार्म करती है इन प्रेगनेंसी पर मुझे आदत है तो मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ डेली, मतलब उसके साथ कुछ ब्रेड वगैरह ले लेती हूँ। ये चाय हमारी रेडी है, अभी हम ब्रेड चाहिए तो ब्रेड मैंने धोली है। ये करारी करारी ब्रेड हो गई रेडी गरम गरम और ये शाम का नाश्ता हमारा हो गया रेडी, तब चलते इसको खा। मुझे ना ब्रेड में बटर एक्स्ट्रा पसंद है तो मैं ब्रेड में बहुत सारा बटर ले लेती हूँ फिर खाती हूँ, तभी मुझे मज़ा आता है। मज़ा आ गया।